हेलो तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी हंटर पर तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1975 की एक रोमांटिक फिल्म जिसके मुख्य कलाकार मुख्य कलाकार के रूप में लक्ष्मी और विक्रम ने भूमिका निभाई है तो दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने कमेंट कमेंट भी लिख कर भेजें तो दोस्तों शुरू करते हैं जूली फिल्म की स्टोरी बेस्ट फैक्ट एंड रिव्यू जूली एक 1975 की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणी द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैसायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेड्डी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन राय पीएल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजया प्रोडक्शन रिलीज के तारीख 18 अप्रैल उन्नीस सौ कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमयी ब्लॉकबास्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है में यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें परमो प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रिमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने दो में रिलीज कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डिनुमौरिया की भूमिका में रमिया थी उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की मां की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया, लिया गया था श्यामना काशिम में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता तमिल रिमेक ओ माइनी में जूली की भूमिका निभाई कहानी यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित महा मातृत्व के बारे में प्रतिबंधात्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उस भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भस्म कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए शशि कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भावस्था के बारे में बताती है तो उसकी माँ व्याकुल हो जाती है वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते उसकी माँ जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी मां का नाता में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपने बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की मां संग नहीं चाहती कि चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मर्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्र नाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और शन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बमों में से एक थी। सांद द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक रिमिक्स कवर संस्करण 1980 के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया। सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फॉल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरस् सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा उन्नीस सौ छिहत्तर फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी 1976 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी एक नाइनटीन फाइव की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणी द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैषायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेड्डी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन राय रायपीएल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजया प्रोडक्शन रिलीज के तारीख 18 अप्रैल 1975 कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमयी ब्लॉकबास्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है में यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें मुख प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रीमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने 2006 में रिलीज कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डेनुमोरिया की भूमिका में रमिया थी उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की माँ की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया गया था श्यामना में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता तमिल रिमेक ओ माइनी में जूली की भूमिका निभाई कहनी यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित महातृत्व मा, के बारे में प्रति बंधत्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें ए, जि, जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उस भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भस्म कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए शशि कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भावस्था के बारे में बताती है तो उसकी माँ व्याकुल हो जाती है वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते उसकी माँ जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी माए का नाता में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपने बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की माँ संग नहीं चाहती कि चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज़ है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मर्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्र नाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और शन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बमों में से एक थी। सांद द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक रिमिक्स कवर संस्करण 1980 के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया। सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फॉल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा 1976 फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी 1976 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवॉर्ड सबसे अच्छी सहनायिका नायिका नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बक्सली एक नाइनटीन फाइव की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणि द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैषायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेड्डी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन पीएल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजया प्रोडक्शन रिलीज के तारीख 18 अप्रैल 1975 कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमय ब्लॉकबास्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है में यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें मुख प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रीमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने दो हज़ार में रिलीज़ कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डेनुमोरिया की भूमिका में रमिया थी उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की मां की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया गया था श्यामना में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता रीमेक ओ माइनी में जूली की भूमिका निभाई कहनी यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित महातृत्व मा, के बारे में प्रति बंधत्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें एक जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उस भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भस्म कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए शशि कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भावस्था के बारे में बताती है तो उसकी माँ व्याकुल हो जाती है वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते उसकी माँ जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी माए का नाता में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपने बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की मां संग नहीं चाहती कि चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज़ है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मर्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्र नाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और शन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बमों में से एक थी। सांद द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक रिमिक्स कवर संस्करण 1980 के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया। सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फॉल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरुष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा उन्नीस फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी 1976 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका नायिका नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बक्सली एक नाइनटीन सेवेंटी फाइव की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणी द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैसायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेड्डी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन पीएल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजया प्रोडक्शन रिलीज के तारीख 18 अप्रैल 1975 कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमयी ब्लॉकबास्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है में यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें मुख प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रीमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने 2006 में रिलीज कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डेनुमोरिया की भूमिका में रमिया थी उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की मां की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया गया था श्यामना में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता तमिल रिमेक ओ माइनी में जूली की भूमिका निभाई कहानी यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित महातृत्व मा, के बारे में प्रति बंधत्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें ए, जि, जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उस भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भस्म कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए शशि कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भावस्था के बारे में बताती है तो उसकी माँ व्याकुल हो जाती है वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते उसकी माँ जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी माए का नाता में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपनी बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की मां संग नहीं चाहती कि चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज़ है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मार्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्र नाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और शन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बमों में से एक थी। सांद द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक रिमिक्स कवर संस्करण 1980 के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया। सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फॉल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा 1976 फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी 1976 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन सबसे अच्छी सहनाई का, नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी होली एक नाइनटीन फाइव की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे के एस सेतु माधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणि द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैसायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतु माधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेडी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन राय पीएल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजय प्रोडक्शन रिलीज की तारीख 18 अप्रैल 1975 कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमयी ब्लॉकबास्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है मैं यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें परमो प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रीमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने 2006 में रिलीज कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डेनुमोरिया की भूमिका में रमिया थी उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की मां की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया गया था श्यामना काशिम में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता तमिल रीमेक ओ माइनी में जूली की भूमिका निभाई कहानी यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित महातृत्व मा, के बारे में प्रतिबंधात्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उषा भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भसम कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए शशि कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भावस्था के बारे में बताती है तो उसकी माँ व्याकुल हो जाती है वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते उसकी माँ जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की मां बच्चे को एक अना में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी माँ एक आनाता में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपने बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की मां संग नहीं चाहती कि चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज़ है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मार्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्र नाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और सन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक थी शान द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक रिमिक्ष कवर संस्करण उन्नीस के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फाल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा उन्नीस सौ छिहत्तर फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी 1976 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका नायिका नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी होली एक नाइनटीन फाइव की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणी द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैसायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेड्डी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन राय रायपीएल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजया प्रोडक्शन रिलीज के तारीख 18 अप्रैल 1975 कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमयी ब्लॉकबास्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है में यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें मुख प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रीमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने 2006 में रिलीज कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डेनोमोरिया की भूमिका में रमिया थी उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की माँ की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया गया था श्यामना में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता तमिल रिमेक ओ माइनी में जूली की भूमिका निभाई कहानी यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित महातृत्व मा, के बारे में प्रति बंधत्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें ए, जि, जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उस भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भस्म कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए शशि कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भावस्था के बारे में बताती है तो उसकी माँ व्याकुल हो जाती है वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते उसकी माँ जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी माए का नाता में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपने बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की मां संग नहीं चाहती की चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मर्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल दत्त के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्र नाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और सन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक थी शान द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक रिमिक्स कवर संस्करण उन्नीस के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फाल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा उन्नीस सौ छिहत्तर फिल्मफेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी 1976 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका नायिका नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी एक 1975 की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणी द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैषायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेड्डी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन राय एल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजया प्रोडक्शन रिलीज के तारीख 18 अप्रैल उन्नीस कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमयी ब्लॉकबास्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है में यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें परमो प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रीमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने दो हज़ार में रिलीज़ कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डेनोमोरिया की भूमिका में रमिया थी उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की मां की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया गया था। शामना काशिम में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता तमिल रिमेक ओमाइनी में जूली की भूमिका निभाई। कहानी बुक यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित मा, मात्र तो के बारे में प्रतिबंधात्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें एक जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उस भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भस्म कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए शशि कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भावस्था के बारे में बताती है तो उसकी माँ व्याकुल हो जाती है। वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते उसकी माँ जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी माए का नाता में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपने बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की मां संग नहीं चाहती कि चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मर्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्र नाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और सन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक एल्बमों में से एक थी द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक कवर संस्करण उन्नीस के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फॉल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा उन्नीस फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी उन्नीस बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका नायिका नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी पुली एक नाइनटीन सेवेंटी फाइव की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणी द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैसायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेड्डी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन पीएल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजया प्रोडक्शन रिलीज के तारीख 18 अप्रैल 1975 कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमयी ब्लॉकबास्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है में यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें मुख प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रीमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने 2006 में रिलीज कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डेनुमोरिया की भूमिका में रमिया थी उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की माँ की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया गया था श्यामना में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता तमिल रिमेक ओ माइनी में जूली की भूमिका निभाई कहनी यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित महातृत्व मा, के बारे में प्रति बंधत्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें ए, जि, जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उस भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भस्म कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए शशि कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भावस्था के बारे में बताती है तो उसकी माँ व्याकुल हो जाती है वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते उसकी माँ जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी माए का नाता में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपने बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की मां संग नहीं चाहती कि चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज़ है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मार्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्र नाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और शन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक थी सान द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक रिमिक्स कवर संस्करण उन्नीस के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फाल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा 1976 फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी 1976 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका नायिका नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत गीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बक्सली एक नाइनटीन फाइव की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे के एस सेतु माधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणि द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैसायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतु माधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेडी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन राय पीएल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजय प्रोडक्शन रिलीज के तारीख 18 अप्रैल 1975 कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमयी ब्लॉकबस्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है मैं यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें मुख प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रीमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने 2006 में रिलीज कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डेनुमरिया की भूमिका में रमिया थी उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की मां की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया गया था श्यामना काशिम में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता तमिल रिमेक ओ माइनी में जूली की भूमिका निभाई कहानी यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित महा मातृत्व के बारे में प्रतिबंधात्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उषा भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भसम कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए शशि कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भावस्था के बारे में बताती है तो उसकी माँ व्याकुल हो जाती है वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते उसकी माँ जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी माँ एक अना में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपने बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की मां संग नहीं चाहती कि चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज़ है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मार्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल दत्त के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्र नाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और सन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक थी शान द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक रिमिक्ष कवर संस्करण उन्नीस के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फाल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरुष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा उन्नीस सौ छिहत्तर फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी 1976 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका नायिका नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी होली एक 1975 की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणि द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैशायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेड्डी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन राय पीएल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजया प्रोडक्शन रिलीज के तारीख 18 अप्रैल उन्नीस कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमयी ब्लॉकबास्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है में यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें मुख प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रीमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने दो हजार छः में रिलीज़ कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डेनोमोरिया की भूमिका में रमिया थीं उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की मां की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया गया था श्यामना में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता तमिल रिमेक ओ माइनी में जूली की भूमिका निभाई कहानी यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित महातृत्व मा, के बारे में प्रति बंधात्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें ए, जि, जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उस भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भस्म कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए ससी कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भ के बारे में बताती है तो उसकी मां व्याकुल हो जाती है वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते हैं। उसकी मां जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी मां का नाता में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपने बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की मां संग नहीं चाहती कि चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मर्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्र नाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और सन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक थी शान द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक रिमिक्स कवर संस्करण उन्नीस के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फॉल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा उन्नीस सौ छिहत्तर फिल्मफेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी 1976 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका नायिका नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी होली एक नाइनटीन फाइव की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणी द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैसायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेड्डी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन राय पीएल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजया प्रोडक्शन रिलीज के तारीख 18 अप्रैल 1975 कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमयी ब्लॉकबास्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है में यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें परमो प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रीमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने 2006 में रिलीज कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डेनोमोरिया की भूमिका में रमिया थी उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की मां की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया गया था श्यामना काशिम में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता तमिल रिमेक ओ माइनी में जूली की भूमिका निभाई कहानी यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित महातृत्व मा, के बारे में प्रति बंधात्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें ए, जि, जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उषा भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भस्म कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए शशि कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भावस्था के बारे में बताती है तो उसकी माँ व्याकुल हो जाती है वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते उसकी माँ जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी माए का नाता में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपनी बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की मां संग नहीं चाहती कि चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मर्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्रनाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और सन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक थी शान द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक रिमिक्स कवर संस्करण उन्नीस के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फाल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरुष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा उन्नीस फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी 1976 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी पली एक नाइनटीन फाइव की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्देशित और चक्रपाणि द्वारा लिखा गया है फिल्म में लक्ष्मी ने शीर्षक भूमिका निभाई है इसमें विक्रम नदीरा रीता भादुड़ी ओम प्रकाश उत्पल दत्त और श्रीदेवी उनकी श्रीदेवी की यह पहली महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म है फिल्म एक महत्वपूर्ण और वैषायिक सफलता थी निर्देशक के एस सेतुमाधवन द्वारा निर्मित बीनागी रेड्डी चक्रपाणी द्वारा लिखित इंदर राज आनंद राज बलदेव राज पटकथा की है चक्रपाणी अभिनीत लक्ष्मी विक्रम संगीत दिया राजेश रोशन छायांकन राय रायपीएल द्वारा संपादित एम एस मनी उत्पादन कंपनी विजया प्रोडक्शन द्वारा वितरित विजया प्रोडक्शन रिलीज के तारीख 18 अप्रैल 1975 कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी जूली भी एक संगीतमयी ब्लॉकबास्टर थी जिसमें राजेश रोशन द्वारा पुरस्कार विजेता संगीत था जिसने उन्हें वर्ष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था प्रीति सागर द्वारा गाए गाने एक भारतीय फिल्म मेरा दिल धड़क रहा है में यह पहला अंग्रेजी भाषा का गीत था यह एक दुर्लभ हिंदी फिल्म है जिसमें मुख प्रमुख भूमिका में एक एग्लो इंडियन परिवार है यह एक मलयालम हिट फिल्म चटाकरी की रीमेक है जिसमें लक्ष्मी ने भी अभिनय किया था वह अभी तक एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेम कथा में अभिनय कर चुकी है उन्होंने दो हजार छः में रिलीज कन्नड़ रीमेक जूली में अभिनय नहीं, नहीं किया था जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूली और डेनोमोरिया की भूमिका में रमिया थी उन्होंने मलयालम रीमेक में जटली की मां की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसका शीर्षक चटकारी था जिसमें कहा गया था कि वह चाहती थी कि दर्शक उसे युवा और सुंदर जूली के रूप में याद रखे शीर्षक भूमिका के लिए लिया गया था श्यामना में अभिनेत्री उर्वशी ने अपने पिता तमिल रिमेक ओ माइनी में जूली की भूमिका निभाई कहनी यह फिल्म भारत के अंतर धर्म विवाह और अवांछित महातृत्व मा, के बारे में प्रति बंधत्मक सामाजिक सम्मेलनों को दर्शाती है जूली जो कि लक्ष्मी एक ईसाई एग्लो इंडियन लड़की है जिसमें जिसमें एक प्यार करने वाली लेकिन शराबी पिता एक हावी माँ नदी नदीरा एक छोटा भाई और बहन है इसमें छोटी बहन की भूमिका में श्रीदेवी है उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त उस भट्टाचार्य के भाई शशि भट्टाचार्य विक्रम मरकंद एक हिंदू से प्यार हो जाता है लड़का प्रेमी अपने रिश्ते को भस्म कर देता है जो उसे गर्भवती छोड़ देता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में न जानते हुए ससी कॉलेज चली जाती है जब जूली उसे गर्भावस्था के बारे में बताती है तो उसकी मां व्याकुल हो जाती है वे परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं बताते हैं। उसकी मां जूली को गर्भपात कराने के बारे में सोचती है लेकिन एक धर्मनिष्ठ ईसाई उससे बात करती है जूली को उसके बच्चे को गुप्त रूप से रखने के लिए भेज दिया जाता है परिवार के बाकी सदस्यों को बताया जाता है कि जूली को नौकरी मिल गई है वह नौकरी के लिए बाहर गई है बच्चे के जन्म के बाद जूली की माँ बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने का प्रबंध करती है और उसे और यह मांग करती है कि जूली घर लौट आए और बच्चे के बारे में भूल जाए तो जूली के बच्चे को उसकी माए का नाता में छोड़ देती है और जूली को घर वापस ले आती है जब जूली घर लौटती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अब वह परिवार में प्राथमिकता कमाने वाली है अब वह ही परिवार का पालन पोषण करने वाली है बाद में वह शशि के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है वह शशि को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है फिर वह उससे शादी करने के लिए कहता है शशि जूली से शादी करने के लिए कहता है लेकिन उसकी मां ने जूली को शादी के लिए अलग आस्था है वह जूली पर अपने बेटे को बहकाने और बच्चे होने का आरोप लगाती है जूली की मां संग नहीं चाहती कि चाहती है क्योंकि यह एक अंतर विश्वास विवाह होगा और वह इंग्लैंड लौटना चाहती है हालांकि शशि के पिता की बुद्धि बहुत तेज है क्योंकि वह माता की जाति और धर्म के बारे में पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और दोनों से अपने पोते को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं वह दोनों का विवाह कर देते हैं फिल्म युवा माताओं को अपना पूरा आशीर्वाद देने वाली माताओं के साथ समाप्त होती है और जूली की मां ने अपने पोते का वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और अपने पास रखेगी कास्ट जूली के रूप में लक्ष्मी शशि भट्टाचार्य के रूप में विक्रम मर्कन मर्गरेट मैगी जूली की मां के रूप में नदीरा मासिक के रूप में ओम प्रकाश जूली के पिता उषा भट्टाचार्य के रूप में रीता वादुड़ी उत्पल के रूप में श्री भट्टाचार्य उषा और शशि के पिता श्री देवी के रूप में जूली की छोटी बहन रूबी चाची के रूप में सुलोचना जलाल आगा के रूप में रिचर्ड रिची रहीम के रूप में राजेंद्र नाथ स्टोर ओनर संगीत फिल्म के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए सोले और सन्यासी के साथ जूली 1975 के शीर्ष तीर्थ सबसे अधिक बिकने साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक थी द्वारा गाया गया दिल क्या करे का रिमेक कवर संस्करण उन्नीस के एल्बम डांस मस्ती में दिखाई दिया सारा संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित दिल क्या करे जब किसी से आनंद बख्शी किशोर कुमार ये रातें नई पुरानी आनंद बख्शी लता मंगेशकर भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ किशोर कुमार लता मंगेशकर मेरा दिल धड़क रहा है हरिनाथ चट्टोपाध्याय प्रीति सागर साचा नाम तेरा तेरा आशा भोसले उषा मंगेशकर जूली फॉल्स इन लव पुरस्कार एवं नामकन पुरस् सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी सबसे अच्छी सह नायिका नदीरा 1976 फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीति सागर मेरा दिल धड़क रहा है के लिए स्पेशल अवार्ड वर्ष का सबसे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्मी 1976 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवॉर्ड सबसे अच्छी सहनायिका नदीरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राजेश रोशन सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी तो दोस्तों इसी के साथ जूली फिल्म के फैक्ट एंड रिव्यू समाप्त होते हैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय